आदरणीय चंदोक साहब जी, रमन राय साहब, शर्मा जी, अजय कुमार जी व सभा का संचालन कर रहे पवन कुमार जी, हमारे साथ लखनऊ से पधारे श्री आर के द्विवेदी जी और श्री आर के अग्निहोत्री जी, खुर्शीद रजा जी, रविशंकर जी, ओम प्रकाश जी व अन्य प्रांतों से आए हुए हमारे सभी कर्मचारी व पदाधिकारीगण, भाई एवं बहनों, हम सभी का इस मंच से स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि इंसान को परिस्थितियां ही ताकत देती हैं। मैं इससे पूर्व किसी अन्य ट्रेड यूनियन में था, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया एससी एसटी एम्प्लाइज फेडरेशन का महामंत्री हूं, बावजूद इसके मैंने जिस ट्रेड यूनियन को पूर्व में समर्थन देकर जितवाया था, उसके कार्यों से कर्मचारियों के हित में दिलचस्पी न लेना, उनके मुद्दों को प्रबंधन से साठ काट करके लंबित रखना और इस तरह के तमाम तरीके के कुचक्र रचना जो मुझे नागवार गुजरा। इसी दौरान चुनाव की घोषणा हुई, श्री चंडोक जी से मेरा संपर्क हुआ, मेरी एससी एसटी यूनियन के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई, जिसमें तय हुआ कि भविष्य की चिंताओं के लिए हमें श्री चंडोक जी को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि हमारे हितों की रक्षा सिर्फ और सिर्फ चंडोक जी ही हल कर सकते हैं। इन्हीं हितों को सर्वोपरि मानकर हमारी एससी एसटी यूनियन ने हर संभव ताकत झोंक कर विगत चुनाव जितवाने का संकल्प लिया और कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रखा। अन्य सभी मुद्दों पर कल भी विस्तार से हमारे साथियों ने चर्चा की, जिन मुद्दों पर हम अब चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि कल से सारी चीजें आप लोगों के द्वारा सुनी जा चुकी हैं। हम इन विषयों पर जाकर के अपना समय, आप लोगों का समय व्यस्त नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है। अकेला इंसान कभी बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे खड़े लोग ही उसकी ताकत होते हैं। अतः हम सभी को श्री चंडोक जी के हाथों को कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत करना चाहिए और अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए हमेशा सतत प्रयत्न करने चाहिए। हम इस मंच से जितने दूर दराज से लोग आए हुए हैं, उन सभी का एक बार पुनः अभिवादन करते हैं और इस बात का आह्वान भी करते हैं कि यदि चंडोक साहब के द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है कि जिसके लिए हम सभी को दिल्ली कूच करने के लिए भी संदेशा जा सकता है, उसके लिए भी हम सबको बिल्कुल कटिबद्ध रहना होगा। हमारे लिए कठिन चुनौतियां हैं, हम सब कर्मचारियों के हितों के लिए एक बड़ी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप लोग सुन चुके हैं, उनको सिर्फ हम निराकरण ही नहीं बल्कि उन समस्याओं को अब अधिक लंबित नहीं देखना चाहते, उसके लिए चंडोक साहब का प्रयास जारी है। चुनाव के बाद ही उन्होंने अपने कदमों में तेजी दिखा दी थी और आज भी वो इसके लिए संघर्षरत हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमन। मैं राजा राम जी का फेडरेशन के सब रीजनों से आए कामरेड साथियों की तरफ से इनका आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। मैं अब यूपी से ही इनके एक और साथी राम संजीवन जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने विचार से। हेलो, लो हो गई समा रोशन, चले आए परवाने, आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। इस महान नेता को मैं चंदोसी के दोनों सेंटरों की ओर से और चंदोसी के रहने वाले भाषी
जो और सेंटरों पे काम कर रहे हैं उनकी सबकी ओर से इस महान नेता को एक साल रुला कर भेंट करना चाहता हूँ। ये महान नेता जो है मेरा इनका 48 साल का संपर्क है और 14 साल से मैं रिटायर हो रहा हूँ। जब भी मैं भाई के साथ बराबर अपना काम करता हूँ लोगों की भलाई के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी के चरणों में नमन करता हूं। आज आदरणीय माननीय चंडोल जी और मंच पे उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय और विभिन्न प्रांतों से आए हुए सारे जनरल सेक्रेटरी का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं और हमारे उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय अग्नोत्री साहब, रविशंकर जी, रजा साहब, देवदीप जी और हमारे सेंटरों से आए हुए किशनलाल जी, राजकुमार जी, सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने सही मौके पर ये दिखा दिया कि SC ST यूनियन जिसको चाहे उसको ताज दिला सकती है और ताज उतार भी सकती है। आज मुझे बड़ा गर्व है माननीय चंडोल जी पर कि हमारे SC ST साथियों ने उनमें एक आस्था दिखाई कि अगर कोई इम्प्लॉयज का हक दिला सकता है, पेंशन दिला सकता है, प्रमोशन दिला सकता है और हमारे साथियों का स्टैग्नेशन खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ एक मसीहा है, माननीय DL चंडोल। आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें माननीय चंडोल DL चंडोल DL चंडोल DL चंडोल। अब वो सारी लफड़े की दर खत्म हो गई है और सारी चीजें हम लोग को मिलेंगी। अब हमने बिल्कुल सही रास्ता चुना है माननीय चंडोल जी के निर्देश में और उत्तर प्रदेश के जब भी कोई ऐसा मौका आएगा हमारा उत्तर प्रदेश हर स्टेट से आगे रहेगा। माननीय चंडोल जी के नेतृत्व में कोई भी लड़ाई लड़नी होगी उसके लिए हमारे साथी सबसे आगे होगा। आज मैं जितनी भी बातें हैं सब हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह दी हैं, ज्यादा समय ना लेकर के मैं एक बार पुनः पवन साहब का, सरवण साहब का और उपस्थित सभी प्रांत के साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इस AGM की बहुत बहुत बधाई आपको। पहली बार जीतने के बाद में AGM की यहाँ पर जो मीटिंग हो रही है, विशाल मीटिंग हो रही है, इसी से मैनेजमेंट आकर लगा लेगा कि आगे की रणनीति उनकी क्या है और उनको हर चीज पे विचार करना पड़ेगा और हमारे चंडोल साहब को कि हर बात माननी पड़ेगी। इसके लिए मैं फिर पुनः अपने साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आगे आशा करता हूं कि वो माननीय चंडोल जी के नेतृत्व में जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। माननीय चंडोल जी जिंदाबाद। अपनी बात में समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। भरकर चुनती जिंदाभर, भरकर चुनती जिंदाबाद, भरकर चुनती जिंदाबाद, देश चंडोल जिंदाबाद, देश चंडोल जिंदाबाद, देश चंडोल जिंदाबाद, भरकर चुनती, भरकर चुनती, भरकर चुनती, चार जून के टक्कर में, चार जून के टक्कर में। अभी मैं मध्य प्रदेश रीजन से असिस्टेंट सेक्रेटरी राजकुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। परम आदरणीय कर्मचारी नेता हरदीप जी, कर्मचारी हृदय सम्राट व
माननीय जी चंदोक साहब जो हमारे फेडरेशन के विधि सलाहकार कानूनविद आशीष शर्मा जी, हमारे फेडरेशन के वयोवृद्ध नेता कॉमरेड राय दादा कृष्णमूर्ति जी, मंच पर विराजमान समस्त क्षेत्र से पधारे हुए महासचिव महोदय, आज दो दिन से बड़े बड़े वक्ताओं ने आगे के संघर्ष के बारे में बता ही दिया है, फिर भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि निवर्तमान चुनाव में हम लोगों ने अपने जुझारू नेता कर्मठ नेता बड़े भाई चंदूक साहब के नेतृत्व में करीब 63% मतदान से विजय प्राप्त किए हैं, जिससे कि हमारे मैनेजमेंट को पेट में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि चंदूक साहब पहले ही काफी भारी थे और चुनाव जीतने के बाद में इतने भारी हो गए कि ये लोग बगल झांकने लगे हैं। और भाई साहब ने कल अग्रवाल साहब और महाबल मिश्रा जी के साथ आगे की रणनीति बढ़ा ही दिए हैं, अतः मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों पे वार्षिक फेडरेशन मीटिंग के लिए धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं चंडीगढ़ रीजन से हमारे कर्मठ नेता के एस दल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए, वो भी अपने विचार आपके पूछ रहे। रिस्पेक्टेड साढ़े दिलों की धड़कन, पंजाबी बोलांगा मैं विच विच हिंदी, साढ़े दिलों की धड़कन साढ़े हरमन प्यारे नेता श्री डी एल चंडोक, साढ़े प्रेजिडेंट श्री रमन राय जी, साढ़े वर्किंग प्रेजिडेंट श्री आशीष शर्मा जी, ते मानते बैठे साढ़े सारे रिस्पेक्टेड जनरल सैकटरी रीजनल सैकटरी, साढ़े सारे आल इंडिया तो आए मेरे प्यारे भरा डेलीगेट्स ते भैणा सभा नूं मैं हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को हमारी ये ऑल इंडिया लेवल जो के पिछले 25 साल से जो फेडरल रोला डाल रहे थे, हम ऑल इंडिया पे राज करते हैं, आर के राय चौधरी हर विशाल सभी आपस में ये कहते थे भी हमारा राज है हमारा राज, पर आज आपकी ये यूनिटी ने और आपके ये वोट में बता दिया, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें सिर्फ एक ही हक दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे एक हक दिया है कि हम अपने पावर इस वोटिंग के साथ सभी को जितलाएं। सभी को पता है हम बहुत ज्यादा सभी लोग इतनी तकलीफों में, आज से 25-30 साल हो गए हमको ये नौकरी करते को, हमको इस कॉर्पोरेशन ने क्या दिया, हमने अपना खून तक दिया परंतु हमको इस कॉर्पोरेशन ने क्या दिया। कोई भी आया यहां, हो सकता है एक आध कोई एमडी यहां कोई हमारे हितों के लिए आया हो, जिसने हमारे हित देखे हो, जैसे हमारे कुलवंत सिंह जी एमडी आए थे, जैसे हमारे चौबे साहब पीछे आए थे, इन्होंने हमारा कुछ राइट के लिए सोचा।